बच्चों, आज हम अब्राहम की बुलाहट के बारे में सीखेंगे। नूह के पश्चात लगभग 10वीं पीढ़ी में नूह के पुत्र शेम के परिवार में एक पुरुष हुआ जिसका नाम था अब्राहम। वो कस्तियों के ऊर नामक देश में रहता था। ऊर देश के लोग मूर्ति पूजक थे, लेकिन इस परिस्थिति में अब्राहम को परमेश्वर का अनुग्रह मिला। एक दिन यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे खोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। इधर एक अनजान जगह जाने के लिए परमेश्वर अब्राहम को बोला है, लेकिन अब्राहम कोई प्रश्न नहीं किया। अब्राहम परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया, इसलिए उनको विश्वासियों का पिता कहलाया है। अब्राहम का विश्वास हमारे लिए एक नमूना है। प्रिय बच्चों, परमेश्वर का वचन में हमें जो भी बोला है हम पूरा रीति से मानने के लिए हम तैयार रहना है। प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपनी भतीजे लूत और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। जब वो कनान देश पहुंचा तब परमेश्वर ने उसे कहा, यही वो स्थान है जो मैं तुम्हारे वंश को दूंगा। उसने वहां यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए एक वेदी बनाई। अब्राहम का जीवन का दूसरा एक विशेषता हम इधर देख सकते हैं। जहां कहीं भी अब्राहम ठहरा वहां पर उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। प्रिय बच्चों, हमारा जीवन में हम परमेश्वर को मुख्य स्थान देना है। अब्राहम हमारे लिए एक नमूना है। हम परमेश्वर पर पूरा विश्वास करना है और वचन के द्वारा परमेश्वर जो भी बोले उसको हम पूरा रीति से मानना है। परमेश्वर हमको बहुतायत से आशीष दूंगा। उसने हमारे जीवन में बहुत आशीष दिया है। परमेश्वर हमारा जीवन में दिया हुआ आशीषों को हम धन्यवाद करना नहीं भूलना। परमेश्वर सभी को आशीष दें।